अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल खान है और आप देख रहे हैं हरमैन रियल एस्टेट का ऑफिशियल चैनल। इससे पहले आपने इस घर के शॉर्ट वीडियोस और डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस देखी होंगी, लेकिन अभी इसके बाद हम इस घर का कंप्लीट रिव्यू करने लगे हैं, आपको इस घर की कंप्लीट डिटेल बताएंगे। ये घर दो कनाल का फेस 5 टॉप लोकेशन का 70 फुट रोड के ऊपर घर है, जो कि इस टाइम अपनी नौयत का फर्द वाहिद घर है। जैसे कि हम अपने तमाम क्लाइंट्स के लिए बेहतरीन और टॉप नॉच घर लेकर आते हैं, उनमें से एक ये भी है। इस घर की डिटेल आपको बताता हूँ कि इसमें 6 गाड़ियों की पार्किंग है। यहाँ पर आपको पूरे एलिवेशन के ऊपर विद वाटर प्रूफिंग ट्रेवोटीन ओरिजिनल स्टोन मिलता है, जो कि सदाबहार ऐसे ही रहेगा। जैसे आप घर में आते हैं तो आपके घर में डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्लांट्स आपको वेलकम करते हैं और इंतहाई खूबसूरत प्लांट्स हैं, जैसे जिनमें से कुछ प्लांट्स यहाँ पर भी लगे हुए हैं और आपको ये हमेशा वेलकम करते हैं। इसके साथ एक पूरी पैनोरामा, इन्होंने एक आपको वाटरफॉल दी हुई है जिसका आवाज जो इतना मजेदार दे रहा है कि आपके जितने भी गेस्ट होंगे उनको ये अच्छा खासा एंटरटेन करेगा। आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। इसका आप एलिवेशन देख सकते हैं, ये 100 फिट एलिवेशन है इसका और इंतहाई खूबसूरत से बना हुआ है। 1:2 में है, मतलब कि डिसेंट बना हुआ है घर। घर में बहुत सारे उल्टे सीधे काम नहीं हुए हैं और ओरिजिनली आर्किटेक्चरल डिजाइन पे ही घर बना हुआ है। ये इसकी एक फसाड है कम्प्लीट। अब इस घर में हमने आज अरेंज किए हुए हैं वो साहब जिन्होंने इसमें काम भी किया हुआ है, उमर भाई। तो उमर भाई भी यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो उमर भाई? खैरियत से? ठीक-ठाक है, तबीयत ठीक है आपकी? उमर भाई, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम आपसे कुछ चीजें पूछेंगे क्योंकि आपने इस घर को बनाया हुआ है, आपको देखते रहे हैं, तो आपसे हमें कुछ बातें पूछनी है। आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं, आ जाओ कैमरामैन भाई। आज जब हम ये जैसे हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर ना हमें एक पूरा बड़ा दरवाजा मिलता है जो कि हाई ग्लोज के साथ बना हुआ है। तो उमर भाई, ये दरवाजा, इसकी क्या क्वालिटी है, इसकी क्या हिसाब किताब है? अच्छा, किस तरह बनाया हुआ आपने? बेसिकली बिलाल, व्हाट मेक्स अस स्टैंड आउट आउट ऑफ द क्राउड के हमारा जो टोटल एरिया है वो 15,000 प्लस एसएफटी, ठीक है। ये हमारा ट्रिपल हाइटेड लॉबी है जी, ठीक है। और इसके अंदर जो हमने डोर यूज किया है ये 20 फीट इसकी हाइट है, ओके। इसके अंदर सारी एक्सेसरीज हमने, जो डोर हमारा ये HDFC प्लस सॉलिड वुड है ये, ओके। यहाँ से एंटर होते हैं, हमारा ये जो मार्बल लगा हुआ है ये हमारा वियतनाम व्हाइट मार्बल है जी, ओके। उसके अंदर हमने अमलगमेट किया हुआ है मार्किनो ब्लैक को, ओके। आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं और ये हमारी जो सी है ये पार्टीशन हुई हुई है और ये भी हमारी SMC से हमने इसको बनवाया हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताया कि ये जो मार्बल लगा हुआ है कौन सा मार्बल है? इसके अंदर हमने 2 मार्बल को अमलगमेट किया हुआ है, okay. 2 मार्बल्स हैं उसको अमलगमेट किया हुआ है। ये जो व्हाइट आप देख रहे हैं ये व्हाइट वाला है, वियतनाम व्हाइट, वियतनाम व्हाइट, ओके। और जो ब्लैक है वो ब्लैक मार्किनो है, ओके, राइट हो गया। अच्छा, ये बताया कि हमने देखा है एंटर होते साथ ही यहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है, तो इस लिफ्ट की क्या डिटेल है? ये पाकिस्तानी लिफ्ट है या ये इम्पोर्टेड है? नहीं जी, ये इम्पोर्टेड लिफ्ट है, तो इम्पोर्टेड लग रही है मुझे। इम्पोर्टेड बिल्कुल जी, आपने ये सही कहा, ये इम्पोर्टेड लिफ्ट है, ओके। और इसके अंदर भी जो हमने यूज किया हुआ है वो भी हमारा, इसके अंदर मार्बल यूज हुआ है, ओके। और ये हमारी सेमेक की लाइफ एक्सकलेशन मशीन है, ओके। कितनी वारंटी इसकी? इसकी वारंटी लाइफ टाइम वो वैसे क्लेम करते हैं और इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज बड़ी जबरदस्त देते हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज मैंने नोट की थी कि घर के अंदर शैंडलियर जो लगे हुए हैं वो बहुत ही हाई खूबसूरत से लगे हुए हैं और इनफैक्ट एक एक बीच में रेड की भी डायमंड्स लटकाया हुआ है। वो मैं आपको मैं बताता चलता हूँ, वो जो रेड की आप लाइन कह रहे हैं वो बेसिकली ये एक स्टेटमेंट होती है बाकरा की। बाकरा इज अ ह्यूज ब्रांड, आप इसको अगर देखें तो बाकरा की ये 64 लाइट्स का हमारा लैंप है। अच्छा, लॉबी के लिए जो अंदर हमारे वहां पे लैंप, इसकी क्या, सॉरी उमर भाई, क्या वर्थ होगी खाली शैंडलियर की? इसकी 26 लाख इसकी वर्थ है। वाओ, अच्छा इतना महंगा। अच्छा, ये जो ना अभी यहाँ पर हमारे साथ जो ये स्लाइडिंग डोर्स हैं, इसके बाद जब यहाँ पर आते हैं तो ये आपने जो वियतनाम व्हाइट लगाया है, इतना बड़ा साइज मिला कहाँ से आपको? ये जी, हमने स्पेशल इसको मेड टू ऑर्डर हमने बनवाया है। अच्छा, और इसका जो साइज है ये 6.5 फुट बाय 9.5 फुट, मतलब ये 6.5 फुट चौड़ा और 9.5 फुट लंबा, ह्यूज, ओके, ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर भी सेम उसी फैमिली के शैंडलियर्स हैं? उसी के ही शैंडलियर्स हैं। आप यहाँ पे इसको आके अगर देखेंगे, यहाँ पे भी इसका रेड जोन है ये दिया गया। जी जी बिल्कुल, लगा हुआ है। इसको ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बाकरा के हैं, ओके, राइट हो गया। अच्छा, मुझे ये बताया कि ना कि इस घर के किचन की मैंने बहुत सुनी है, व्यूअर्स आपको दिखाते हैं इस घर की किचन, ये ड्राइंग डाइनिंग है, तो ये किचन तक उम्र में को हम साथ रखते हैं। किचन की बहुत ही कंप्लीट डिटेल है जो कि हर व्यूअर का नॉलेज उनको होना बड़ा जरूरी है, तो आए आपको इस किचन दिखाते हैं। उमर भाई, हम इधर किचन दिखाएं, किचन।
उमर भाई ऐसा क्या है इस किचन में कि 2 करोड़ का किचन किचन ही है? अच्छा मैं 2 करोड़ की आपको पता है प्राडो आ जाती है, पुराना क्रूजर आ जाता है। मैं बेसिकली आपको वही बताता हूं 2 करोड़ में 5 मरले घर आ जाता है। मैं बेसिकली आपको वही बताता चलता हूं कि जो हमने यहां पे जो किचन यूज किया गया है ये हमारा टोटल SMC है, और SMC के अंदर भी हमारे जो हमने इसके अंदर फिक्स्चर एंड फिटिंग्स लगाए हैं वो हमारे टोटल इम्पोर्टेड है, बराजा से लेके फेलमैक और फेलमैक से लेके स्मैग। ओके, ये हमारा जो काउंटर टॉप है ये मार्बल का बना हुआ है, प्योर मार्बल है, इट्स नॉट कोरियन, इट्स नॉट अदर, आप कह लें कि कोई इसमें चीज फेक नहीं यूज हुई हुई। ये जी हमारा पुल अप सॉकेट है। ओके बिलाल साहब ये देखें, ये हमारा पुल अप सॉकेट है जी, माशाल्लाह। आप यहाँ पे बैठ के अपने फोन चार्जिंग करनी हो आपने, यू कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू। ओके अच्छा, क्लाइंट्स का ना बड़ा एक इसमें होता है कि जी यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए कौन सी जगह है, आपका ये जो है यहाँ पे हमारा ये हुड है जी। ओके इसकी पावर आपने ऑफ की लगता है? इसकी लाइक पावर आई गेस ऑफ है, कोई बात नहीं, हो गया, इट्स ऑन हो गया, इट्स हो गया। अच्छा ये हमारा हुड है, ये बेसिकली ये बड़ा एक एलिगेंटली ऐसा लुक इसकी दी गई है। अच्छा। कि ये अंदर ही इसकी इंजेक्ट किया गया और ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, बाहर निकल आता है और ये वेरी नाइस। अच्छा इसमें ये जो कहना फ्रंट के ऊपर काम हो, ये क्या कौन सी शीट है? ये जी हमारी UPVC शीट है। अच्छा और ये हमारा है बेसिकली कटलरी केस। ठीक हो गया, अच्छा राइट हो गया। ये हमारा यहाँ पे नाइफ केस है, ये हमारा यहाँ पे इसका सारा स्पून का और ये ओके, और ये इस साइड पे भी आप देख रहे हैं ये भी हमारा बेहतरीन। अच्छा ये फ्रिज कौन सी लगी हुई है आपकी? ये अच्छा ये अच्छा स्मैग की फ्रिज लगी हुई है। स्मैग क्या कॉस्ट है इस फ्रिज की? स्मैग बेसिकली अमेरिकन ब्रांड है जी, इसकी कॉस्ट वेरी करती है। ये जो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है इट्स कॉस्टली क्योंकि ये फ्रिज फ्रीजर एंड डीप फ्रीजर है। ओके राइट, मतलब जिसको आप जिस सेटिंग में कर सकते हैं इसकी सेटिंग आप फ्रीजर की ऊपर से कर सकते हैं। और ये फ्रिज है और ये क्लाइमेट कंट्रोल है। ओके ओके राइट हो गया, गुड माशाल्लाह बहुत बेहतर है। अच्छा और इसमें क्या लगाया हुआ आपने? अच्छा ये देख रहे थे हम, देख रहे हैं आपने डबल ओवन लगा दिए, साथ बेकिंग ओवन लगा दिया, साथ कॉफी मशीन लगा दिया। ये जी हमारा कॉफी मशीन कॉफी मेकर है, ये हमारा ओवन है, इसके अलावा यहाँ पे हमने 2 माइक्रोवेव्स दिए। अच्छा व्यूअर्स मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन थोड़ा रिलेटेड काम है, ये एक ओवन जो ब्रेजा का है ना ये इसकी कीमत 6-7 लाख रुपए है, एक और एक दो हो गए, फिर ये बेकिंग ओवन है और साथ में ये कॉफी मशीन है। अच्छा ये ओरिजिनल इटालियन ब्रांड से चीजें हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर है अपने नाम की वजह से, और ये किचन फुली लोडेड है। नॉर्मल घरों में आपने किचन देखा होता है 7 फुट पर रखा होता है, ये फुल हाइट तक गए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर DVR की सारी सेटिंग्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये अप्लायंसेस वॉल आ जाती है, बैक में आपके पास फ्रिज आ जाता है, उसके बाद यहाँ पर भी आपके पास ये ओवर द जितना भी कैबिनेट है जो आपका आयरलैंड है उस आयरलैंड के अंदर आपको टोटल कैबिनेटरी मिलती है, मतलब जगह वेस्ट बिल्कुल भी नहीं की हुई है। बिहाइंड द कैमरा ये देखें आप, इसके अंदर भी इन्होंने मतलब ये ऑर्गेनाइजर्स लगाए हुए हैं जो कि सॉफ्ट क्लोज के साथ है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, अगर आप इसको जितना मरीज जोर से बंद करें ये अपने अपने आदत के मुताबिक ही बंद होगा। बाकी इसके सामने देख रही है कि ये डबल किस्म की इस टाइम ऊपर फ्रंट पर वो एसेस भी लगाया हुआ है सेफ्टी के लिए और खूबसूरती के लिए भी। अच्छा बिलाल मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा इंडस्ट्रियल किचन है यहाँ पे। ओके माशाल्लाह यहाँ पर क्या चीज़ है ये? अच्छा ये यार कुछ छुड़ा है आप लोगों ने, ये भाई देखें लेटर्स भी लगे हुए हैवी ड्यूटी हैं, आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं ग्रोसरी की चीज़ें रखने के लिए, और प्लस देखें कि यहाँ पर उन्होंने अपना ये AC भी लगाया हुआ है। ठीक है, जो कि कंसील्ड है छत में और ये आपके किचन के काम को इजी कर देता है, एटमॉस्फेयर मुनासिब रखता है। उमर भाई दिखाएं प्लीज हमें। ये जी हमारा इंडस्ट्रियल किचन है। ओके और ये टोटल हमारा जो इंडस्ट्रियल किचन है ये टोटल गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना हुआ है। अच्छा माशाल्लाह, ये स्टेनलेस है और गैल्वेनाइज्ड है। ओके और ये वन टाइम है और ये इसमें कोई आपके आप कह लें कि इसमें मेंटेनेंस नहीं होती है, कोई नहीं चाहिए होती चीजें, यहाँ पर हम देख पा सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली है, यहाँ पे भी हमने यहाँ पे ACs भी दिए हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा सर्विस किचन में भी AC लगा हुआ है, मेन किचन में कंसील किचन लगा हुआ है, यहाँ पर हैवी ड्यूटी किचन लगा हुआ है, सॉरी AC लगा हुआ है। अच्छा तो ये क्या क्या चीज बनाया आपने? ये जी हमारी पेंट्री है। ओके ये हमारा वॉशिंग एरिया है। अच्छा अभी आपको पता है कि 2 करोड़ के ब्रांडेड घरों में वॉशिंग जो होती है जो एक्सपेंसिव क्लोथ्स की होती है वो घर के ओनर अपनी निगरानी में खुद ही कराते हैं, बाकी बाहर लॉन्ड्री अलग है। यहाँ पर जगह दी हुई है, साथ में उनकी ड्रेनेज की भी दी हुई है, 2 वॉशिंग मशीन आपके इजीली इंस्टॉल हो सकते हैं, विद लाइट फ्लक्स भी दिए हैं, विद ड्रेन भी दिए हुए हैं, और यहाँ पर भी आपके मतलब कपड़े धुलना शुलने वाला साफ हो सकता है। और इसके अंदर क्या है यहाँ पे? ये जी हमारी पेंट्री है। ओके राइट हो गया। उमर भाई बहुत शुक्रिया, आप घर की डिटेल इतनी ज्यादा, हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, हम अपने व्यूअर्स को बाकी घर दिखाते हैं। थैंक यू टाइम का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
लो जनाब, ये आप लोगों के सामने इस, मैं ये आपको रिटर्न लिख के गारंटी दे सकता हूं कि ये किचन, ये मार्बल, ये अप्लायंसेस सिवाय ऑनर बिल्ड करोगे मैंने आज तक किसी भी सेल वाले घर में नहीं देखा। तो ये इस टाइम एक ही घर है जहां पर इतना बड़ा दिल गुर्दा करके इन्होंने बीच में लगा के दिया हुआ है। खैर, इनफैक्ट अभी हम लॉबी में आते हैं, यहां से एक रास्ता बेसमेंट को जाता है और यहां से आपका फैमिली एरिया स्टार्ट होता है। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये देखिए, यहां पर सेम उसी साइज का मार्बल लगा हुआ है और ये मार्बल बहुत एक्सपेंसिव है, आपके 5000 रुपए पर स्क्वायर फीट मार्बल है यहां पर मार्बल। अच्छा, एक और चीज बताया तो आपको कि ये स्ट्रेट लाइन मॉडर्न आर्किटेक्चर के ऊपर बना हुआ घर है। इसकी जो विंडोज है ये लुई ग्लास के साथ है, 100% साउंड प्रूफ है और 100% हीट प्रूफ है। आपके घर के बाहर से शोर भी अंदर नहीं आता, हीट भी अंदर नहीं आती और सख्त सर्दियों में आपका कूलिंग भी अंदर नहीं आती। तो ये आपके घर के एनवायरनमेंट को बड़ा बेहतरीन रखता है। अच्छा, घर को इतना खाली और सिंपल रखने के रीजन ये है कि आपके पास ऑप्शन पूरी हो कि आप इसको अपनी मर्जी से डेकोर कर सके, लेकिन जो भी चीज लगी हुई है वो टॉप नॉच है। ये दरवाजा, इस पे जो पेंट हुआ हुआ है, आप कह लें कि ये वो पेंट है जो गाड़ियों पे पेंट होता है, जैसे मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू पे होता है। इस पेंट को हाई ग्लॉस में हम बोलते हैं और इन्होंने सारे दरवाजे सॉलिड डोर को हाई ग्लॉस में फिनिश किए हुए बना के, उसको स्मॉल बेडरूम आधा घंटा और लग जाए, चाइल्ड बेडरूम है नीचे की वीडियो, उसको गेस्ट बेडरूम भी कह सकते हैं। सारा जाके इधर भी आपके पास गली के दरवाजे से इतना लॉक और सीलिंग के अंदर लाइट्स लगी हुई है, कोई लाइट आंख में नहीं पड़ रही, मध्यम है इसमें शैंडलियर्स लैंप्स डिफरेंट चीजें लगेंगी तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। और जो वुड लगी हुई है, ऑक वुड है, सॉलिड ओरिजिनल वुड लगी हुई, वुडन फ्लोर नहीं है, ओरिजिनल वुड है। आप इस घर की एक और चीज ये देखें, ये आप एंटर हुए हैं, यहाँ पर आपको बेहतरीन किस्म की वैरायटी मिल जाती है। वेट, अब यहाँ पर हमारे पास ये, अब ये देखें डिटेल, इतने खूबसूरत तरीके से लुकिंग मिरर को डिजाइन किया है, एक जबरदस्त किस्म की लाइट बीच में दी हुई है, आंखों में पड़ने वाली नहीं है। प्लस इसके जो एक एक नलका है ये सारे इंपोर्टेड है और ये इसमें पहले से ही लगे हुए हैं, कंसील्ड के लगे हुए हैं। फुल हाइट तक टाइल्स हैं, आप भी देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत एजिंग की हुई है और बहुत मेहनत से काम किया हुआ है। सेम उसी एरिया के देखें, यहाँ पर हमारे पास पी ट्रैप के बजाय इन्होंने लंबा ऑलमोस्ट 150 फुट का ये एक ट्रैप दिया हुआ है जिसके अंदर पानी जाता है और जो बुरा नहीं लगता। सेम उसी कंपनी की सारी एक्सेसरीज है। फिर ग्लास ये पूरा फुल हाइट तक दिया हुआ है, इनफैक्ट जब आप वाश शावर एरिया ले रहे होंगे तो ये आपका एक कतरा पानी बाहर भी नहीं जाने देगा। पूरे घर में विंडोज साउंड प्रूफ है और बेहतरीन किस्म की लगी हुई है। बैक साइड पे आप आते हैं तो ये हमारे पास हैंगिंग कमोड्स हैं विद शावर और जिसका देखें ये मुस्लिम शावर है, मतलब ये एक सॉलिड चीज लगी हुई है, कुछ प्लास्टिक वाले मुस्लिम शावर नहीं है। आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि सब घरों में वार्डरूम्स होती हैं, लेकिन इस घर में जो वार्डरूम है ये वार्डरूम लगी हुई है ऑटोमेटिक सेंसर लाइट के साथ और ये शीटें ये इंपोर्टेड लगी हुई है SMC की, फुल हाइट तक लगी हुई है, कोई इसमें लोकल चीज नहीं लगी हुई। आप देख रहे हैं वो लॉन्ग हैंगिंग था, ये शॉर्ट हैंगिंग है और यहाँ पर आपके पास ये अगेन शॉर्ट हैंगिंग शूट रे आया था और यहाँ पर आपके पास ये देख रहे हैं कि ये एक सॉफ्ट क्लोथ के साथ आपको दराज आया था, इसमें आप अपनी एक्सेसरीज रख सकते हैं। घर की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक चीज दिखाता रहा। इनफैक्ट इन शॉर्ट वर्ड्स में ये है कि अगर आप एक ब्रांडेड घर चाहते हैं तो ये आपकी जरूरत का ही घर बना हुआ है। चाइल्ड बेड के सामने ही आपका मास्टर बेड आता है और मैं कहता हूँ कि मास्टर बेड इतना ही होना चाहिए। आप चेक करें मास्टर बेडरूम इतना खूबसूरत, पूरा बड़ा बेडरूम दिया हुआ है। आप सोच रहे होंगे इसमें रोशनी काम है, एग्जैक्टली सेंटर में इसका शैंडलियर की जगह है, वो आप खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर पीछे साउंड प्रूफ विंडो लगी हुई है, 2 टन के AC लगा हुआ है और इधर आए ये इसका चेक करने वाला है। और दूसरी बात ये एक बेड के ऊपर लगा हुआ है और एक सिटिंग के ऊपर, 2 AC लगे हुए, 1.5 टन की इन्वर्टर DC इन्वर्टर, ये भाई चेक करें इसका, वाओ अमेजिंग। मतलब आपको लगेगा कि यार वाकई आप किसी दुबई के 5-स्टार अरमानी होटल में आप आए हैं और उसका ही बेडरूम है, उसका ही वॉशरूम है। ये वैनिटी है, प्रॉपर मार्बल से बनी हुई एक्सपेंसिव मार्बल है, यहाँ पर फ्रेमिंग करके ग्लास लगाया हुआ है और ग्लास को बहुत खूबसूरत तरीके से लगाया हुआ है आप बेवल्ड करके। और इसमें ये देख रहे हैं अभी हंस ग्रोही है, ग्रोही से भी ऊंची कंपनी हंस ग्रोही है। इसमें यहाँ पर पास एक मिल जाता है हैंगिंग कमोड, ये एक लार्ज साइज का आपके पास मिल जाता है शावर एरिया, काफी ह्यूज है और डबल शावर है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है ये एक टब है जो कि आप कह सकते हैं कि ये ओरिजिनल इटालियन टब है जिसमें आप बैठ के आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। इसकी प्लस क्वालिटी ये है कि ये वाकई टब है और इसका कलर
लाइफ टाइम खराब नहीं होता, ये कन्फर्म बात है। फिर घर के इस पूरे एरिया को उन्होंने बड़े अच्छे डिम लाइट से डिजाइन किया हुआ है। एक चीज़, वॉशरूम में भी एसी लगे हुए हैं, बताया कि इसमें ऊपर वॉशरूम में एसी लगा हुआ है, हायर का 2 टन का एसी है। वार्डरूम इंतहाई बड़ी है, मैं अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी में। ये देख सकते हैं, ये इसमें ऑर्गेनाइजर लगा हुआ है, आपकी वॉचेस, आपकी डायमंड की रिंग, आपकी डिफरेंट चीज़ में आ जाएंगी यहाँ पर, बाकी आपके ऑर्गेनाइजर आ जाएंगे, बाकी इसमें हैंगिंग्स और बहुत सारा कुछ इसमें दिया हुआ है जो कि नॉर्मल घरों में लोग नहीं देते। ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक, ये देख रहे हैं आपके शूट रहे हैं यहाँ पर, एक्सपेंसिव शूज़ आपके आ जाएंगे। ये एक एक ट्रे जो है ना 35,000 रुपये की आती है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, जल्दी जल्दी आ जाएं ताकि आप वीडियो कम से कम में आप उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा घर देख सकें। आप व्यूअर्स, ये था ग्राउंड फ्लोर का टूर। इसमें जिस तरह आपको मैंने दिखाया कि उमर भाई हमारे साथ थे, हमने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, लिफ्ट लगी हुई है, ये एरिया का ड्राइंग एंड डाइनिंग है जो कम्बाइंड है, और आपके घर का जो फ्रंट व्यू है लॉन का वो भी यहाँ से नज़र आता है। आप इसको इनफैक्ट अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा है तो आप इसको लॉन्च में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बेसमेंट है, बेसमेंट को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आपका मजीद टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं आपको इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट कराता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ग्राउंड फ्लोर का ये पाउडर रूम भी दिखा देता हूँ। ये है इसका पाउडर रूम, और पाउडर रूम में यहाँ पर कुछ चीजें भी रहती हैं, जैसे कि अंदर वॉल लाइट्स लगनी है और यहाँ एक मिरर लगना है। ये नलका 3.5 लाख रुपए का खाली खाली सिर्फ नलका रख गई है। इस तरह पूरे घर में चीजें इतनी बेहतरीन लगी हुई हैं और बेस्ट क्वालिटी की है कि मैं आपको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, और वर्कमैनशिप बेस्ट है 10/10। मतलब आपको कहीं पर एक नाखून बराबर भी ढलक या कुछ चीज नजर नहीं आती। ये था ग्राउंड फ्लोर का विजिट, हमारे साथ रहे, आपको भी दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर का विजिट। के कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर के स्टेयर्स में भी आपको वही वियतनाम वाइट मार्बल मिलता है, और इसकी दीवारें बिल्कुल वाइट क्रिस्टल क्लियर, और उसके साथ आपको एक ह्यूज साइज का शैंडलियर मिलता है। अगेन ये आपका टेरेस एरिया है, डे लाइट आपके लाउंज में और आपके एंट्रेंस लॉबी में पूरा दिन ही आते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका ये वाला बेडरूम जो कि मास्टर बेडरूम है, और यहाँ पर लिफ्ट भी है, लिफ्ट की एक्सेस यहाँ पर के साथ ही है। ये इसका मास्टर बेडरूम है, और नीचे जो वुड लगी हुई है सारी सॉलिड वुड लगी हुई है। ये इतना बड़ा बेडरूम यार, रियल टाइम में आप कह सकते हैं कि भाई शहंशाहों का बेडरूम यही है। 2-2 एसी लगे हुए हैं, आपकी सिटिंग एरिया, आपका बेड एरिया, उसके ऊपर आपकी एसी लगे हुए हैं, क्योंकि कमरा बड़ा है, इधर ठंडा फील करना है। ये इस कार का बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है, और यही वॉशरूम जो है ना 40 करोड़ के पैसे पूरे कर देता है। व्यूवर ये देखें कि ये आपके पास पूरी वार्डरोब आ जाती है, उसके बाद वेट, ये पूरी वार्डरोब आ जाती है, और वार्डरोब के एक मिनट यहां पर आ गया, ये देख सकते हैं। इसके अंदर आपके पास ऑर्गेनाइजर भी है, हैंगिंग भी है, यहां पर आपके पास ये ऊपर नीचे शॉर्ट्स हैंगिंग है, उसके बाद यहां पर आपके पास सेंटर में ये ऑर्गेनाइजर आया था आपका ज्वेलरी का। इस तरह आपके पास फुल हाइट तक ऊपर भी बहुत स्पेस पड़ी हुई है। अब ये एक एल शेप को आप कह सकते हैं कि ये हमारा जेंट्स एरिया, और यहाँ पर कैमरे की बैक साइड पे ये आपके पास एक ड्रेसिंग एरिया आ गया। इस ड्रेसिंग एरिया के इसके पीछे भी आपके पास स्पेस है जहाँ पर आप चीज़ें रख सकते हैं, और अगर आप छुपाना चाहें तो कुछ 2-4 करोड़ रुपये छुपा भी सकते हैं। साथ प्रोफाइल लाइट्स लगाई हुई हैं जो कि आपका मेकअप के दौरान आपको बड़ा अच्छा एम्बियंस दे देती हैं। सेम इस तरह वार्डरूम है, और अगेन ये वार्डरूम आफ्टर सर्विसेज में भी अवेलेबल है, ये SMC के ओरिजिनल वार्डरूम्स हैं। व्यूअर जैसे हम यहाँ से एंटर होते हैं ड्रेसिंग एरिया से, तो ये है हमारे घर का मास्टर बाथरूम, और इतना खूबसूरत बाथरूम है, और ये फुल ब्लैक है, और ये टोटल ओरिजिनल मार्बल ही लगा हुआ है इसकी दीवारों पर भी, और यहाँ पर भी सारा का सारा ये ओरिजिनल मार्बल लगा हुआ है। इसमें आपको मिलता है एक प्राइवेट टेरेस मिलता है, एक वैनिटी मिलती है। अभी इस वैनिटी में ये कैमरे वाले भाई ये देखे चेक करें, ये ओरिजिनल इटालियन फिटिंग्स लगी हुई हैं, यहाँ से आपने नलका खोलना है, बंद कर सकते हैं, और एक कंसील्ड दीवार के अंदर लगा हुआ है। इसका फ़ायदा ये होता है आप इजीली क्लीनिंग कर लेते हैं, और आपको एक बात कहता हूँ कि प्रैक्टिकल अंडर काउंटर ही है, आप मुँह धोते हैं, वजू करते हैं, कपड़ा फेरते हैं, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। फुल बड़ा मिरर दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास टेरेस आ जाता है, और टेरेस को कवर भी किया हुआ उन्होंने। टेरेस के साथ साथ जब आप इधर आते हैं तो आपके पास सामने ही यहाँ पर इधर जगह पे आपके पास आ जाता है ये एक कमोड, हैंगिंग कमोड आ जाता है। राइट हैंड पे हमारे पास
ऊपर ये पूरा रेन शावर लगा हुआ है, और जिसका मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि हमें स्टीम सोना मिलता है, तो जनाब ये है स्टीम सोना। इसके अंदर आप बैठे और लाइट भी कम है, लाइट इसमें होती नहीं है, एक छोटी लाइट का पॉइंट दिया हुआ है, वो भी सेफ्टी पर्पज से वॉट्स में होगी, किसी करंट शंट भी ना पड़े। और यहाँ पर हमें सेम उस क्वालिटी की SMC की ओरिजिनल टब मिलता है, और ये टब लाइफ टाइम ऐसे ही रहता है, बहुत ही एलिगेंट है। और उसके साथ इसकी ये पानी का सिस्टम सारा इसके साथ ही लगा हुआ है। अगेन इसके अंदर भी AC लगा हुआ है, आपको कूलिंग पूरे घर में मिलती है इसकी, आप पूरे घर को, इनफैक्ट आप ये 4 टन के ऊपर AC लगा हुआ है, तो वार्डरूम और आपके इस सारे एरिया को वो इजीली ठंडा कर रहा होता है। इसके साथ जब हम ये आते हैं, ये है बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये प्रेजिडेंट रूम है, और प्रेजिडेंट रूम के बाहर जब आप आते हैं तो हमारे पास इस लॉबी में यहाँ पर 2.5 टन का वॉल माउंटेड AC मिल जाता है, जो कि आपकी लॉबी को ठंडा रखेगा। जाहिर बात इतना बड़ा घर है, उसको ठंडा भी तो रखना है। इसके बाद जैसे हम आते हैं टेरेस फ्लोर बाद में जाएंगे, हम पहले चलते हैं आपको ऊपर दिखाते हैं। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर का ये एक लॉबी आप कह सकते हैं, इसको लाउंज भी है, इसमें भी AC लगा हुआ है, और नीचे सारा वियतनाम वाइट मार्बल ही लगा हुआ है। एक बेड उस तरफ है और 2 बेडरूम यहाँ पर आते हैं, एक बेडरूम यहाँ पर है और एक बेड इस तरफ है। तो ये दोनों बेड ऐसे हैं कि आप मदर्स एंड चिल्ड्रंस की करीब करीब रखने के लिए भी कर सकते हैं। ये अगेन इसे सॉलिड वुड, बाहर आपको मेन 70 फुट रोड का व्यू मिलता है। यहाँ पर एक अच्छा सा शेंडरी लगाया हुआ उन्होंने, और शेंडरी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि इसकी दीवारों का बहुत ही खूबसूरत कलर किया हुआ उन्होंने, मतलब ये एक ही टोन में पूरा घर है, और इसको आप अपनी मर्जी से बहुत बेहतरीन सेट कर सकते हैं। ये देखें कि यहाँ पर जैसे एंटर होते हैं, ये है इसका मास्टर बेडरूम ऊपर का सेकेंड, वो भी था ये भी मास्टर बेड है। इधर आपको ये एक मार्बल ग्रेनाइट में मिलता है, वैनिटी और अंडर काउंटर है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ बाउल बहुत सस्ते हैं इस मार्बल की नस्बत में, बाउल सिर्फ खूबसूरती होती है, प्रैक्टिकलिटी नहीं होती उसमें। आप देख रहे हैं कि इस लाइट को कितना खूबसूरत ने डिज़ाइन किया हुआ है, एक हल्की सी लाइट दी हुई है, बहुत ही खूबसूरत स्लीक है, और यहाँ पर फ्रेमिंग की हुई है, फुल हाइट तक रस्टेड टाइल लगाई हुई है, टाइल जितनी भी लगी हुई सारी SMC की है। इन लोग इस साहब को पता नहीं SMC से कितना प्यार है, मतलब SMC की मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। ये आगे हमारा भाई शावर एरिया, ग्लास लगा हुआ है सिर्फ इसलिए कि पानी चलना चाहिए, और डिज़ाइन एलिमेंट है, ऊपर से आपका पानी आएगा, और यहाँ पर ही टाइल का पूरा पैटर्न बनाया हुआ है। साथ साथ यहाँ पर हमारा ये हैंगिंग कमोड आ गया, और एक चीज़ बताना भूल गया कि मास्टर बेडरूम में कमोड के साथ भी कंट्रोलर दिया हुआ है हीट एंड कूल का। आप इसको ग्रोहिक है, आप कोई भी टेम्परेचर सेट करके वो इससे आप ले सकते हैं पानी का लेवल। यहाँ पर एक इन्होंने दिया हुआ है, ये देखें, ये एक छोटा सा पैशियो है, जिसको आप मतलब सिर्फ और सिर्फ इस बाथरूम का ही पैशियो है, यहाँ बैठ के सूटे लग सकते हैं, बैठी गपशप हो सकती है, और इसको बेहतरीन प्लांटेशन करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट भी कर सकते हैं। एक चीज़ ये पूरे घर में ये मैश लगी हुई है, आप इसको ऐसे क्लोज करके तो आप एयर टाइट कर सकते हैं, और उसमें बर्ड्स और अदर चीज़ें बीच में नहीं आती। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपके पास ये ऑर्गेनाइज़र आ गया, ठीक है, शूट रे आप इसमें रख सकते हैं, ये दराज आ गया आपके पास, फिर यहाँ पर ओपन शेल्फ्स आ गई हैं, इतनी खूबसूरत है। उसके बाद ये देख रहे हैं, उसी तरह की सेम वार्डरूम पूरे घर में चल रही है, जितनी भी वार्डरूम लगी हुई है वही किस्म की वार्डरूम पूरे घर में है, और ह्यूज साइज है, नीचे से लेके 11 फुट 10.5 फुट क्लियर हाइट, और पूरी पूरी वार्डरूम दी हुई है। इसके साथ ही बिल्कुल एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप देख रहे हैं जो ब्लैक कितने पॉइंट्स लगे हुए हैं, मतलब ये कि पूरे घर में इन्होंने हर कॉर्नर के ऊपर लाइट प्लग्स दिए हुए हैं, आपको फिजिकली कोई वायरिंग नहीं करानी पड़ेगी। टेलीफोन की वायर अंदर आई हुई है, एक्सचेंज की वायर अंदर आई हुई है, इंटरनेट की आई हुई है, उसके बाद पावर प्लग लाइट प्लग्स काफ़ी सारे दिए हुए हैं। जैसे हम यहाँ से बाहर आते हैं तो साथ ही हमारा एक और बेड आता है, ये है हमारा छोटा बेड, जिसको हम गेस्ट बेड भी कह सकते हैं, चाइल्ड बेड है बेसिकली, चाइल्ड बेड भी कह सकते हैं। मीडिया वॉल्स पूरी बनी हुई हैं, ये देख रहे हैं कि मीडिया वॉल के अंदर ये केबल की तार आई हुई है, Cat 6 की तार आई हुई है, और पावर प्लग आया बीच में। यहाँ पर हम अंदर आते हैं, एक एक वॉशरूम अपनी नोयत का बेहतरीन किस्म का वॉशरूम है। देखें, चेक करें, यहाँ पर फुल हाइट तक वार्डरूम्स, यहाँ पर फुल हाइट तक मिरर्स लगाए हुए हैं, और बहुत ही डिसेंट तरीके से इसको चलाया हुआ है। यहाँ पर हमें मिल जाता है एक हमारे पास शावर कैबिन आया था, ये वाला, ये शावर लगा हुआ है, और अगेन ये देखिए हंस ग्रोही, और नीचे लंबा ट्रैप दिया हुआ है। यहाँ पर हैंगिंग कमोड है, और ये देखिए हैंगिंग कमोड के साथ भी कंट्रोलर दिया हुआ है, आप इसकी हीट एंड कूल को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर अगेन देखें, एक छोटी रेडीमेड वैनिटी, और इससे बहुत फ़र्क है, ये मार्बल जो लगा हुआ है 4.5-5 हज़ार रुपये फुट आता था, अभी आजकल ले जाए कम से कम 8-9 हज़ार रुपये फुट हो गई है।
ये अब तक का था इसके फर्स्ट फ्लोर के लिविंग एरिया का, मतलब जितने यहाँ पर लोग रह रहे हैं उसका ये टूर था। अब आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी इन्होंने किचन दिया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पे आप देख लें कि यहाँ पर आके आपके पास, ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर किचन ने खुद बना लिया, फर्स्ट फ्लोर किचन सॉलिड वुड ऑक वुड में बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ओरिजिनल लकड़ी लगी हुई है और ये इसका बर्नर है और इसके अंदर ही इसका एग्जॉस्ट लगा हुआ है। यहाँ पर अगेन स्मैक की भाई मुलाजमों को, ये छोटे ऊपर किचन को लगाते हैं, स्मैक का ही ओरिजिनल हमारे पास माइक्रोवेव लगा हुआ है और ये नीचे दराज वगैरह दिए हुए उन्होंने। उसके बाद ये यहाँ पर भी ये देखें, ये स्मैक का ही एक फ्रिज ऊपर भी लगाया हुआ है। तो ये खाली अप्लाइंसिस की अगर मैं बात करूँ तो 1.5-1.25 करोड़ रुपये, 1.25 से 1.5 करोड़ रुपये की खाली ये सिर्फ चीज़ें ही बनती हैं। यहाँ पर टोटल कोरियन है, आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा का पूरा कोरियन लगा हुआ है। उसके बाद ये लेडर दिया हुआ है, इसमें आपकी अच्छी खासी ये सेव हो जाती हैं। ये आपके पास ऑटोमेटिक लाइट्स लगी हुई हैं। इसके बाद आप कह सकते हैं घर में इतनी चीज़ें दी हुई हैं कि जिसको मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, और बयान करने पे आऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस घर का आपको भी दिखाता हूँ कि इसका टेरेस इंतहाई खूबसूरत टेरेस है। ओह यस, मेरे पास एक चीज़ रह गई है, अभी बस आए आपको दिखाता हूँ। ये है इसका बेडरूम, ये है इसका बेडरूम। बेडरूम से मुराद के जो आपके पास फिलपैनी काम करेगी भाई वो यहाँ रहेगी, उसके एसी एक टन का लगा हुआ है और ये उसका वॉशरूम भी इसके अंदर पूरा इंस्टॉल्ड है। और आप ये साल लगाएं कि मुलाजमा के लिए जो वॉशरूम का वो भी इन्होंने इम्पोर्टेड लगाया हुआ है, कमोड की जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं इसमें। टाइल खैर 2x4 की लगी हुई जरूरत नहीं है इतनी, लेकिन अदर पूरे घर में बड़ी टाइल बड़े मार्बल पीसेस लगे हुए हैं। व्यूअर्स, ये अंदर का लिविंग एरिया था जिसमें बेड थे, टीवी लाउंज थे, वॉशरूम थे, वार्डरोब थे, किचन था। अब आपको दिखाते हैं इसका जो टेरेस दिखाते हैं, इंतहाई बड़ा है, आप इजीली 25-30 लोगों का यहाँ पर इंतजाम कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये इस टाइम मैं जहाँ खड़ा हूँ ये एरिया इसका टेरेस है जो बैक साइड पर है, और बैक साइड पर यहाँ पर टेरेस देख सकते हैं। नीचे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की क्लासिक टाइल का यूज़ किया हुआ है जहाँ पर पूरे घर का पैटर्न चेंज हो जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर फायर प्लेस दिए हैं और बेंचेस दिए हैं, बेंचेस के नीचे लाइट्स हैं और उसमें पैबल्स लगे हुए हैं। यहाँ पर ये सारे नेचुरल प्लांट्स हैं और 100 स्टेप अप में इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने प्रॉपर इंतजाम किए हुए हैं जो कि आपकी ज़रूरत की हैं, जैसे कि ये शेल्फ्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप और भी काम को, अगर आपने इसको काउंटर वगैरह बनाना हो तो बना सकते हैं। ये सारी एक वॉल बनी हुई है, इधर प्लांट्स लगे हुए हैं, ये हमारे पास बारबेक्यू एरिया आ जाता है, इसके नीचे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सारा एरिया आ जाता है जहाँ पर आप लकड़ियाँ शकड़ियाँ सब कुछ सेव कर सकते हैं, और गैस के पॉइंट भी यहाँ तक आए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर भी सेम ऐसे ही पूरे एरिया को इन्होंने सेट किया हुआ है। अब अगर मेरे ऐसे कोई धाती बंदा आ गया तो मैंने इसे मुर्गियाँ रख लेनी है। देखिए बहरहाल व्यूअर्स, ये था फर्स्ट फ्लोर का टूर, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये घर बेसिकली ऐसे है कि ये एक बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना हुआ, जिस साहब ने जिस बंदे ने बनाया घर वो एक बिलियनर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और पाकिस्तान के एक नामवर लोग हैं, वो इस घर को अब सेल कर रहे हैं तो हमने इसको एक्सक्लूसिव राइट्स हमारे पास हैं और हरमैन एस्टेट एंड बिल्डर्स आपको घर दिखा रहा है। इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह की और भी ऑप्शन दिखाता रहूँगा। अभी चलते हैं हम नीचे बेसमेंट की तरफ, बेसमेंट में स्विमिंग पूल भी है और बहुत बड़ा टीवी लाउंज और एक बहुत बड़ा बेड भी है। क्यों ना लिफ्ट में चले जाए, थक गए, इतना जिन साइज बड़ा घर है। आए जनाब हम चलते हैं बेसमेंट में, और हम चलेंगे बेसमेंट में लिफ्ट के जरिए। उसामा भाई आप सीढ़ियों से हैं, हमारी वीडियो बनाते हुए हैं, फास्ट करने भगाएं यहाँ पर वीडियो। अच्छा भाई, ये है इस घर का बेसमेंट, इंतहाई खूबसूरत है, बहुत वाइड है, और मैं ये कहता हूँ कि आप इस घर में लाउंज, स्नूकर, अदर एरियाज, जिमनाजियम, एवरीथिंग आप कर सकते हैं। जैसे आप स्टेयर से नीचे आते हैं तो आपको बहुत बड़ी ये बेसमेंट मिलती है, और बेसमेंट के साथ आपको मिलता है भाई ये एक पूरी वॉल है जिसको इन्होंने डेकोर किया हुआ है रूफ लाइट के साथ, और इसमें आएंगे प्लांटर्स, मतलब ये फुल ग्रीनरी होगी इसके अंदर आपको बेसमेंट। अभी मैं बेसमेंट में खड़ा हूँ और लग बिल्कुल भी तरह का बेसमेंट है। और एक चीज़ ये है कि इसमें भी वियतनाम वाइट मार्बल ही लगा हुआ है जो कि पूरे घर में लगा हुआ है, और ऊपर भी और नीचे भी। और आप ये इमेजिन करें वो 4 टन का एसी पड़ा हुआ है, 2.5 टन का एसी, 2.5 टन के एसी, मतलब ये 8 टन के एसी खाली लॉबी लाउंज में लगा चुके हैं। इनकी मालियत है भाई, ये मुफ्त में तो चीज़ें नहीं आती। यहाँ पर एक पाउडर रूम है, पाउडर रूम इन्होंने किया था अपना, इसको पूरा ज़बरदस्त किसी के वुड
टेक्सचर दिया था, लेकिन आई थिंक इसको ब्लैक करेंगे। और यहाँ पर इस लॉबी में इनकी प्लानिंग है कि मे बी हम वॉलपेपर लगा दें। हम चलते हैं पहले इस तरफ, फिर आपको ये वाला एरिया भी दिखाते हैं, ये वाला। जैसे आप यहाँ पर आते हैं, इस एरिए को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने किसी भी पर्पज़ के लिए। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपना फैमिली एरिया टीवी लाउंज के लिए, उसको ड्राइंग रूम के लिए, पार्टी हॉल के लिए, या एक स्नूकर एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डिफरेंट आपकी अपनी मर्जी है। इनफैक्ट यहाँ पर हमारे पास ये पूरा एरिया आता है, ऊपर स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, बड़ा हैवी ड्यूटी एसी लगा हुआ है, और ये एक अच्छा खासा बड़ा लाउंज है। इसको फैमिली एरिया भी कर सकते हैं और पार्टी हॉल भी कर सकते हैं। ये जो एरिया बना हुआ है, ये बेसिकली होम थिएटर था, लेकिन इन्होंने इसको मजीद कंप्लीट नहीं किया। अगेन मैंने कहा कि बनाई घर रिहाइश के लिए, ये होम थिएटर के एरिया है, इसमें आप इसको अपने मर्जी के मुताबिक होम थिएटर में या जिम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ इस घर का नीचे जो बेसमेंट में दिया हुआ है इन्होंने बेडरूम, क्योंकि ये हमारा बेड है, 6 बेडरूम का ही घर है। और एक और मजीद बात ये कि ये घर फुल बेसमेंट के साथ सिर्फ 40 करोड़ डिमांड है इसकी। यहाँ जहाँ ये घर मौजूद है, इसकी प्लॉट की कीमत कम से कम 18 करोड़ रुपये है, और ऊपर कंस्ट्रक्शन की मालियत जो है ना, वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। मेरे 14 साल कैरियर में इतनी महंगी चीज़ें आज तक किसी भी बिल्डर ने नहीं लगाई। ये चेक करें, ये नीचे का बेसमेंट का बेड है। बेसमेंट का बेड इस तरह की, ये पूरा बेड है, यहाँ पर आपके पास बेड आ जाएगा, और इस बेड के साथ लेफ्ट वॉशरूम है, और यहाँ पर आपको पूरा मिलेगा स्विमिंग पूल का व्यू। यहाँ से आपको पूरा का पूरा स्विमिंग पूल का व्यू मिलेगा। स्विमिंग पूल अभी अंडर प्रोसीजर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम हो रहा है उसमें। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट मिलेगा। और जो साहब भी घर खरीदेंगे, उसको छोटे मोटे जो काम रहते हैं, ये काम कंप्लीट करके इनको देंगे, क्योंकि घर अभी कंप्लीट रेडी नहीं हुआ, लेकिन दिखाने के लिए ओपनिंग हमने परमिशन ले ली हुई है। ये जनाब इसका वाओ अमेजिंग है। ये आप जैसे एंटर होते हैं, आपको एक वार्डरूम मिलती है एल शेप में, और यहाँ पर एक बेहतरीन किस्म की वैनिटी मिलती है। वैनिटी के अंदर खूबसूरत सेम बेवल्ड ग्लास विद लाइट और क्लियर 4th जनरेशन बेल्जियम ग्लास है, जो कि ये बिल्डर सालों में भी लगाते हैं। यहाँ पर इसमें डिम लाइट्स दी गई हुई हैं, कोरियन का यूज़ किया हुआ है, सेम कोरियन चल रहे हैं, अंडर काउंटर है, नीचे भी लाइट दी हुई है। फिर यहाँ पर हैंगिंग कमोड मिलता है ये, और हैंगिंग कमोड के साथ कंट्रोलर गर्म और ठंडे पानी का भी मिलता है कमोड के साथ भी। और ये टाइल जितने भी लगी हुए, ये टाइल SMC की है, कोई वॉशरूम इसमें लोकल नहीं है। ये आपके पास आ जाता है इसका शावर एरिया, शावर कैबिन है, और आप देख रहे हैं क्योंकि इसको स्ट्रेट लाइन और बिल्कुल मॉडर्निज्म में तैयार किया हुआ है, कोई इसमें फूल बूटे नहीं है। पीछे आपके पास यहाँ पर छोटा सा संगन एरिया है, जिससे आपकी वेंटिलेशन हो सकती है। ये देखें, ऐसे आप खुला भी रख सकते हैं, पर्दा उसमें है, आप बाहर से नजर नहीं आएंगे, बंद कर देते हैं इसको। और ये पूरे UPVC विंडोज है, इसमें वाटर प्रूफिंग है, इसमें साउंड प्रूफिंग है, डस्ट प्रूफिंग है, और ये कीड़े मकोड़े अंदर नहीं आने देते। आखिरी इस घर का मेन जो आइटम है वो आपको दिखाते हैं, जो कि इसका स्विमिंग पूल है। इंतहाई खूबसूरत है, बड़ा है, और इसके साथ स्पेस भी है, जिसमें आप अपने गेस्ट को इजीली वेलकम कर सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल फ्लोर लेवल पे इसकी हाइट है, कोई सिल नहीं दिया हुआ इसमें। और ये इसका स्विमिंग पूल है, जो कि हॉट एंड कूल दोनों है। आप कह सकते हैं कि इसके वहाँ पर इसकी हाइट जो डेप्थ है वो 6 फुट है, यहाँ पर तकरीबन 4.5 फुट है, और इसकी लेंथ तकरीबन 28-29 फुट है, और चौड़ाई इसकी तकरीबन 13-13.5 फुट चौड़ाई है इसकी। इसके पास संगन एरिया भी काफ़ी बहुत बड़ा है, पीछे से बैक साइड से फ्रेश एयर आ सकती है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बाहर से नज़र भी नहीं आता। ये एरिया आपके पास बेसिकली पार्टी हॉल बन जाता है, जहाँ पर आप अपनी चेयर रख सकते हैं और आप अपने अदर क्लॉथ्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर ये आ जाता है, आपके पास एक चेंजिंग रूम भी है, लाइक आप उसको शावर कैबिन भी कह सकते हैं, और आपका कमोड भी आ गया, और आपका ये पूरा एक पाउडर रूम वॉशरूम भी है, जहाँ पर आप कपड़े चेंज करने हैं, कुछ भी करना हो तो इजीली कर सकते हैं। जी जनाब, ये अब तक का इस पूरे घर का टूर है। उम्मीद करता हूँ कि ये टूर आपको बहुत पसंद आया होगा, और ऐसे टूर और ऐसे एक्सक्लूसिव घर जो कि मार्केट में किसी के पास नहीं होते या अवेलेबिलिटी नहीं होती, वो घर आप हरमैन रियल एस्टेट हमेशा आपकी खिदमत पेश करता है। हरमैन रियल एस्टेट बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन काम को बेहतरीन तरीके से जानते हुए आपको वीडियो बना के देता है। डिटेल में जाना चाहें तो बहुत लंबी वीडियो बन सकती है, लेकिन हम इतनी लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहते। आप जो भी घर हरमैन एस्टेट एंड बिल्डर्स के थ्रू खरीदेंगे, वो घर उसकी चीज़ों की गारंटी हमारी हरमैन एस्टेट की खुद की होगी। अगर घर अच्छा नहीं होगा, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी सही नहीं होगी, तो हरमैन रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स आपको कभी भी उस घर को ना विजिट करवाएगा और ना ही आपको कहेगा कि घर खरीदे, बेशक हमारी डील हो या ना हो। यहाँ पर बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो घर दिखाते हैं, घर बेच देते हैं,
बाद में नंबर डिलीट करके सिम ब्लॉक करके तो फेंक देते हैं। ऐसे बिल्डरों से हम काम नहीं करते। ये घर 100% ऑनर बिल्ड घर है, इंजीनियर्स ने, इंटीरियर डिजाइनर्स ने, आर्किटेक्ट की टीम्स ने, सिविल इंजीनियर्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ पूरा घर बना है। आप ये कह सकते हैं कि ये अगर आपने 1-2 साल मेहनत करके घर बनाना है तो ये ऐसे ही घर बनेगा। तो अगर आपने घर खरीदना है तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, हम आपको ये विजिट भी करा देंगे, उसके बाद आपको घर की कंप्लीट डिटेल भी बता देंगे और इंशाल्लाह ताला आपको हम इसकी घर की डील भी करवा के दे देंगे। इसकी आस्किंग जो है 40 करोड़ रुपए है पाकिस्तानी, लेकिन अगर कोई बंदा इसको ख़रीदेगा तो उसको एक अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। और अगर आपने इस तरह के मज़ीद घर देखने हैं तो हरमैन रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाएँ, वहाँ पर आप और मज़ीद भी इस तरह घर देख सकते हैं। और अगर आपको घर पसंद आया तो अपने चाहने वालों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया बिलाल खान, अल्लाह हाफिज़।